तो जिंदगी के इस पड़ाव पर अब ये कैसे पूछा जाए कि भगवान है या नहीं? जरा इस आजादी की कल्पना कीजिए। भगवान न होने का मतलब है कि कोई भी ऊपर बैठकर ये हिसाब नहीं लिख रहा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, ताकि वो आपको सजा दें या नर्क में जला सकें या कुछ और कर सकें। जिंदगी पूरी तरह से आपकी है। भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो चारवाक के नाम से जाने जाते हैं। ये चारवाक पूरी तरह से मटीरियलिस्ट होते हैं। ये किसी और बात पर यकीन नहीं करते अपनी आंखों देखी के अलावा। आप देखेंगे कि बहुत से धर्म प्रचारक भगवान का संदेश फैलाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, और भगवान के ना होने का प्रचार करने वाले भी गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से बहस करके ये साबित कर रहे हैं कि भगवान नहीं है। शायद यही इकलौती संस्कृति है जो इसकी इजाजत देती है। बाकी जगहों में तो वो मारे जाएंगे। अगर आप चाहें तो भगवान का प्रचार कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके न होने का। यही सच्ची डेमोक्रेसी है ना? ऐसा हजारों सालों से चलता आ रहा है। लोग गांवों में जाकर बहस करते हैं और साबित करते हैं कि भगवान नहीं है। तो ये एक एक्सपर्ट चारवाक है। आपका विश्वास चाहे कितना भी पक्का क्यों ना हो, अगर आपने 10 मिनट उससे बात कर ली तो वो साबित कर देगा कि भगवान नहीं है। हजारों लोगों को वो यकीन दिला चुका है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो गौतम ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? देखिए, अगर आप विश्वास करते हैं कि भगवान है या आप विश्वास करते हैं कि भगवान नहीं है, दोनों एक ही चीज है। यू आर इन द सेम बोट। यू बिलीव समथिंग दैट यू डू नॉट नो। आप ऐसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, तुम उस पर विश्वास करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं। कोई भी किसी भी चीज पर विश्वास कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना हो। अगर आप ये स्वीकार करें कि मैं नहीं जानता, तो जानने की चाहत पैदा होगी। अगर चाहत पैदा होगी तो खोज शुरू होगी, और अगर खोज शुरू होगी तो जानने की संभावना भी होगी। सदगुरु साहब और गौतम बुद्ध के मानने वाले आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से ये एक पैगाम है, एक मैसेज है। आप इसको इन्विटेशन भी समझ सकते हैं, आप इसको रिक्वेस्ट भी समझ सकते हैं, आप इसको चैलेंज भी समझ सकते हैं, आप इसको एक टेस्ट भी समझ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस मैसेज को किस तरीके से लेते हैं। मैंने जो ये सदगुरु साहब की जो वीडियो सुनी, आपने भी सुनी, और इसके अंदर जो बातें उन्होंने कही, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो खुदा की तलाश में जो लोग भटक रहे हैं या खुदा के बारे में जो लोग दावा करते हैं कि खुदा नहीं है, ठीक है, और जो कहते हैं कि खुदा है, दुनिया में दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, ठीक। खुदाओं के मानने वाले भी हैं, खुदाओं के ना मानने वाले भी हैं। खुदाओं के ना मानने वाले भी दावे करते हैं, किताबों के जरिए बहस कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। किताबों के मानने वाले भी अपने खुदाओं की बहस पर लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के तकरीबन 7 अरब इंसान सदियों से इस बात का फैसला ही नहीं कर सके कि खुदा असली किसका है, कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, और वो प्रैक्टिकली तौर पर प्रूफ भी हो। इस तरीके से जो आप बात कर रहे हैं, एक काम करते हैं कि किताबों से तो आप लोगों से खुदा बनवाया नहीं गया, जुबानी अल्फाज के जरिए तो आप तो खुदा साबित हुआ नहीं कि खुदा है या नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज 7 अरब इंसान इस बात पर तो आ जाते कि इस कायनात का असली खुदा कौन है। बड़े बड़े मजाहब है, हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, मुसलमान हैं, और फिर हर मजहब के अंदर कई कई फिरके और ग्रुप हैं, लेकिन फैसला ही नहीं हो पा रहा कायनात का खुदा है भी या नहीं है, है भी या नहीं है। अब तक तो इस पर फैसला नहीं कर पा रहे, क्यों, सबूत ही नहीं दे पा रहे। तो भाई, मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, सदगुरु साहब आप आ जाएं, आप भी आएं, और जो बड़े बड़े गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध की जो बातें करते हैं, सर जी आप या तो आप दुरुस्त हैं क्योंकि आप गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं, ठीक है, या फिर हिंदू दुरुस्त है, या ईसाई दुरुस्त है, या मुसलमान दुरुस्त है। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो दीन इस्लाम की तरफ से हूँ। तो आप गौतम बुद्ध के पावर को और गौतम बुद्ध की सच्चाइयों को इस्तेमाल करें, और आप अपने हिसाब से, जो आप क्योंकि गौतम बुद्ध के मानने वाले अगर हैं और आपका दावा यह है कि खुदा है या नहीं, वो मेरा आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी तालीमात और जो भी किताबी बातें हैं, सारी किस्से कहानियाँ जो आप सुनाते हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने ये बताया तो उसने ये किया, इन सबको आप करें साइड पर। और जो अपनी लाखों करोड़ों की जो आवाम है, इसको भी अब इनको देखने दें हकीकत क्या है। बहुत तमाशा कर लिया, बहुत आवाम को बहुत कहानियाँ सुना के मैनिपुलेट कर लिया गया, बहुत बेवकूफ़ बना लिया गया। कोई बेवकूफ़ बनाता है, कोई सच बोलता है, कोई झूठ बोलता है, ये तो फैसला नहीं कर पा रहा ना कोई। आप सिर्फ मुझसे तो नहीं लोग अब लोग समझ सकते, मान सकते, कोई मुझे मान लेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई आपको मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो इधर कोरोना वायरस आ गया दुनिया में, जिसने आपके गौतम बुद्ध के, गौतम बुद्ध के मानने वालों के, शिवा को, राम को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, जीसस को मानने वाले,
उजैर को मानने वाले, इन सब लोगों की और साइंस को मानने वाले, इन सब की मट्टी पलित कर दी है तकरीबन कोरोना वायरस ने। ये तो आप मानते हैं, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आप इससे इनकार करें तो फिर आपकी अकल जाने और आपके पैरोकार जाने कि आप क्या कह रहे हैं। दुनियावी फैक्ट और हकीकत ये है कि कोरोना ने गलबा इस दुनिया में कायम कर लिया है। कोरोना ने दिखा दिया कि दीन इस्लाम के अलावा बाकी दुनिया के तमाम मजाहिब और तमाम अकायद और तमाम बातें और तमाम मजहबी पेशवा सब कहानियां करा रहे थे, सब झूठ बोल रहे थे, सब लोगों बेवकूफ़ बना रहे थे। वो इसलिए क्योंकि दीन इस्लाम से मैं एक मुस्लिम आया हूँ जो कोरोना वायरस जिस पर असर नहीं करेगा इसका दावा है, और कोरोना वायरस उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता अल्लाह के हुक्म से, जो कि कायनात का असली खालिक है और असली खुदा भी वही है। उसके अलावा कोई खुदा इस दुनिया में मौजूद नहीं, इस कायनात में मौजूद नहीं, वही अकेला तना वाहिद है। और मेरे दावे में सच्चाई की दलील ये है, सबूत ये है कि आप सतगुरु साहब और आपके तमाम मदरी पेशवा और आप जिसको चाहें अपने साथ लेकर ग्रुप की शक्ल में अरेंजमेंट करें, कोरोना वायरस के जो तस्दीक शुदा मेडिकल से मरीज हैं उसमें आप आएंगे, किसी साइंटिफिक चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की जाएगी, और मैं भी वहाँ पर होऊंगा आपके साथ। कोरोना के मरीजों में हमें बंद कर दिया जाए तो 10-20 मरीज वहाँ पर रखकर, और फिर आप गौतम बुद्ध साहब की पावर को यूज़ करें, उनकी सच्चाइयों को, ताकत को, जो आप कहते हैं कायनात में पावर है ये वो है, मुझे नहीं पता आपके कंटेंट और आपकी जो तफसीलात हैं, मैं बहस में नहीं जाना पसंद करता, ये किताबों की बात है, आप जाने और दुनिया के मजहबी पेशवा जाने। मैं कोरोना वायरस को जानता हूँ, एक कोरोना वायरस एक नेचुरल चीज़ है, कोरोना वायरस एक साइंटिफिक चीज़ है, कोरोना एक मखलूक है इस कायनात के चलाने वाले के हुक्म पे काम कर रहा है। इसलिए मेरा दावा है कि कोरोना वायरस मुझ पर कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेरे पास उसी का दिया हुआ सलूशन है जो रूहानी ताकत के तौर पर काम करता है। कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप दुरुस्त हैं, आपके गौतम बुद्ध की सच्चाई दुरुस्त है और आप लोगों के अकायद दुरुस्त हैं, जो आप लोग दावे करते हैं, जो सिखाते हैं, बताते हैं अपने इतने लाखों करोड़ों की आवाम को, तो फिर कोरोना वायरस आप पे असर ना करें। आप अपनी ताकत से कोरोना वायरस को रोक लीजिएगा, रूहानी ताकतों से, कायनाती ताकतों से, जो भी उलूम आपको हासिल है उनकी बुनियाद पर। अगर मुझ पर कोरोना वायरस ने हमला कर दिया, मेरा कुछ बिगाड़ दिया, मुझे ख़त्म कर दिया उसने, जान से मार दिया, और आपको कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब फिर गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध साहब और आप और आपकी तमाम तालीमात और हर चीज़ सही और हक और सच जो आप कहते हैं वो सब दुरुस्त है। और अगर ऐसा ना हुआ बल्कि आप पर कोरोना ने हमला कर दिया और आप उससे हमले में आ गए, तो फिर आप गौतम बुद्ध और सारी तालीमात और हर चीज़ को छोड़ के आप और आपके तमाम पैरोकार वो सब कलमा पढ़े और मुसलमान हो जाए और दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करें, उनको आखिरी नबी तस्लीम करें और अल्लाह को खालिक कायनात माने। ये होगा उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट से फैसला। लेकिन फैसला करेगा कोरोना, ना आपके दावे, ना आपकी बातें, ना मेरे दावे, ना मेरी बातें, सीधा सीधा प्रैक्टिकल टेस्ट। और उस प्रैक्टिकल टेस्ट में जो सक्सेसफुल होगा, जो भी सक्सेसफुल होगा, वो दूसरे के मजहब को इख्तियार करेगा, या तो आप दीन इस्लाम में आएंगे या फिर मैं दीन इस्लाम छोड़कर गौतम बुद्ध के मजहब के अंदर इख्तियार करने को तैयार हो जाऊंगा, और मैं फिर गौतम बुद्ध साहब की प्रीचिंग को, तालीमात को, और आपसे बल्कि सीखूंगा, आपको अपना उस्ताद बना लूंगा, राइट? क्योंकि भाई फिर आप सच्चे साबित हुए ना। लेकिन अगर मैं सच्चा साबित हो गया, दीन इस्लाम सच्चा साबित हो गया, तो फिर आप मेरे अंडर में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप दीन इस्लाम के अंडर में आके दीन इस्लाम के बारे में फिर लोगों को बताएंगे और लोगों को कलमा पढ़ा के दीन इस्लाम में लाएंगे। और वो तो लोग जब देख लेंगे इतना बड़ा काम हो जाता है प्रैक्टिकल के सामने, तो वो खुद ब खुद ही कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके सामने, आंखों के सामने, आंखों से देखकर, आपने बताया ना, आंखों से देख के एक सच्चाई सामने आएगी। और जो साइंटिफिक इक्विपमेंट के बगैर आंखों देखी सच्चाई है, जिसके सामने वो ये नहीं कह सकता ये शब्देबाजी से हो गया, ये रूहानी ताकत से हो गया, क्योंकि अगर ये शब्देबाजी है तो दुनिया के सारे शब्देबाज करके दिखाएं। अगर ये रूहानी ताकत है, सिर्फ रूहानी ताकत है, तो दुनिया के तमाम रूहानी ताकत वाले, जैसे कि आपके पास कायनाती रूहानी ताकतें होंगी, तो आप भी करके दिखा दें, ठीक ना? फिर अगर ये सिर्फ रूहानी भी नहीं है और सिर्फ शोबदेबाजी भी नहीं है और सिर्फ काला इलम भी नहीं है, सिर्फ कोई भी इलम नहीं है जो कि किताबों में पढ़ाया जाता है, तो फिर ये क्या है? ये खालिक कायनात अल्लाह है, उसकी ताकत है, वो है, वही जिसकी मखलूक है वही उसको बेअसर करेगा, उसका हुक्म काम कर रहा है। और जिस तरह उसका हुक्म काम नहीं करेगा और वो वाकई में काम नहीं करेगा, गैर मुस्लिम के साथ तो काम नहीं करेगा। ये आपको मैं चैलेंज भी देता हूँ इन्विटेशन के साथ कि आप आ भी गए, अब वो तो मुझे नहीं लगता कि आप शायद एक्सेप्ट करें, या आपका कोई भी पैरोकार या बड़े बड़े मजहबी पेशवा, लेकिन अगर आप आ भी गए तो मैं अभी से आपको एक पेशन गोई कर देता हूँ कि कोरोना वायरस आपको हमला करके, आपको बेअसर करके और आपकी जिस्म की धज्जियाँ उड़ा सकता है और आपको ख़त्म कर सकता है।
क्योंकि कोरोना वायरस तो देखेगा ही नहीं आप कौन है, क्या है, मुस्लिम है, सुन्नी है, हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, क्या है। कोरोना तो एक मखलूक है, एक साइंस है, नेचर है उसका ना, उसके लिए तो उसको आप खरीद नहीं सकते, रिश्वत नहीं दे सकते। मैं उसको रिश्वत दे के अपने फेवर में तो कर नहीं सकता, भाई मुझे बचा लेना और फलाने को मार देना, ना आप कर सकते हैं। तो फिर अगर वो मेरी सपोर्ट कर रहा हो कोरोना और मेरे पास से दूर चला जाए तो फिर कौन सच्चा साबित हुआ? दीन इस्लाम। मैं तो अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी चीज़ नहीं हूँ, तो दीन इस्लाम सच्चा साबित हो जाएगा। तो ये था पैगाम, ये था मेरा चैलेंज, ये थी ऑफर और इन्विटेशन तमाम गौतम बुद्ध वालों को, मानने वालों को, सदगुरु और इन जैसे मजहबी पेशवाओं को मानने वालों को भी, कि आप लोग अपने मजहबी पेशवाओं की बातों को छोड़ो और अपने मजहबी पेशवाओं तक ये वीडियो पैगाम पहुंचाओ और इनको बोलो कि अगर ये सच्चे हैं, अगर इनके अकायद दुरुस्त हैं, अगर इनके दावे दुरुस्त हैं, अगर इनकी कहानियाँ दुरुस्त हैं, जो भी ये सुनाते हैं किताबों से या बातों से, अगर ये सच्चे हैं अपने दावे में बात में, तो फिर आएँ और कोरोना के साथ मुकाबला करें मुझ समेत, फिर पता लगेगा सच्चाई क्या है। और अगर ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते और अगर ये सच्चाई तस्लीम करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं आते, तो ये इस बात का सबूत है कि ये सब शिकस्त खा गए, ये सब झूठ बोलते थे, इन सब ने मजहब के नाम पे सिर्फ बेवकूफ़ बना के रखा था लोगों को। तो आप लोग इनकी तालीमात को छोड़ दें, इन मजहबी पेशवाओं को पूछना छोड़ दें, इनकी बातों पर बेवकूफ़ बनना छोड़ें, थोड़ी सी अकल को इस्तेमाल किया करें और फिर सीधा सीधा दीन इस्लाम में आ जाओ, कलमा पढ़ना शुरू करें। क्योंकि अगर कायनात में कोई खुदा नहीं और अगर कायनात का असली खालिक अल्लाह नहीं, तो फिर कौन है जिसने मुझे इतनी ताकत दी, इतनी पावर दी, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इस तरीके से आके आपके बड़े बड़े मजहबी पेशवाओं को और दुनिया के बड़े बड़े मजहबी पेशवाओं को ऑफर और चैलेंजेस कर रहा हूँ? आखिर कौन है वो? वो अल्लाह है, वही कायनात का खालिक है और उसी के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो कि आखिर और सच्चे रसूल हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं। दीन इस्लाम सच्चा मजहब और कुरान अल्लाह का कलाम, ये एक्सेप्ट करें, कलमा पढ़ें और अपने आप को मरने के बाद, दुनिया के अंदर तो अदाब और सजाएं शुरू हो चुकी, मरने के बाद इससे ज़्यादा है उस सजा और आप से अपने आप को बचाएं। बस ये थी मेरी बात, खुदा है या नहीं, खुदा है, बाकी उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, खुदा है वो अल्लाह है, बाकी उसके अलावा कोई खुदा नहीं। सब तसव्वुर आती हैं, अगर सच्चे होते तो उनके भी पैरोकार बड़े बड़े मजहबी पेशवा यही दावे करें और चैलेंज करें और मेरे साथ आ जाएं, क्योंकि उनके तो रिसोर्सेज हैं, लिंक्स हैं, सोशल इन्फ्लुएंस है, मेरा तो वो भी नहीं है भाई, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, आम सा मुस्लिम हूँ। तो जब वो लोग करें, अरेंजमेंट करा लें, बल्कि अरेंजमेंट की ज़रूरत क्या है, कोरोना के मरीज मौजूद हैं, सेंटर्स मौजूद हैं, किसी भी जगह वो मुंतखब करें, लाइव स्ट्रीमिंग करें, लाइव कैमरे लगाएं, मीडिया वालों को बिठाएं, आवाम को बिठाएं और घरों पर ही रहने दें, रिमोटली दिखा देते हैं और हमारे साथ मजहबी पेशवा बैठ जाएंगे, मतलब कि मेरे साथ, फिर देखते हैं होता क्या है। अगर ऐसा नहीं तो फिर इस्लाम फिर जीत गया, देर इस्लाम फिर सच्चा साबित हो गया और अल्लाह खालिक का कायनात साबित कर दिया मैंने, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मैंने आखिरी नबी साबित किया, क्योंकि मैं उन्हीं का पैरोकार, उन्हीं के देर इस्लाम का। अल्लाह हाफ़िज़।